बॉलीवुड एक्टर सनी देओल और एक्ट्रेस अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 ने साल 2023 में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। सनी देओल ने इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर दमदार वापसी कर ली थी। फिल्म गदर 2 ने खाली इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था। गदर 2 हिट होने के बाद मेकर्स ने फिल्म के तीसरे पार्ट को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी थी। इसके बाद से फिल्म की कहानी और बाकी चीजों को लेकर एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं। इसी बीच फिल्म की कहानी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 3 रिलीज से पहले ही काफी चर्चा में है। फिल्म को लेकर अभी तक कई सारे अपडेट सामने आ चुके हैं। पहले फिल्म की कास्ट को लेकर खबरें आ रही थी, अब इन सब के बाद गदर 3 की कहानी को लेकर चर्चा हो रही है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार गदर 3 और गदर 2 की टाइमलाइन में काफी ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलने वाला। मेकर्स का मानना है कि तारा सिंह को काफी समय तक कम उम्र का दिखाना काफी मुश्किल होगा। गदर 3 की कहानी वही शुरू होगी जहां गदर 2 की कहानी खत्म हुई थी। फिल्म की कहानी 1980 या 1999 के दशक में सेट की जाएगी। फिल्म के लिए मेकर्स के पास 4 ऑप्शन थे, उन्होंने उसमें से एक को चुन लिया है। गदर 3 भी एक्शन और देशभक्ति से भरी होने वाली है, लेकिन आपको बता दें कि मेकर्स ने अभी तक इसे लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। गदर 3 की कहानी लीक होने के बाद अब फैंस को फिल्म की रिलीज का इंतजार है। गदर 3 की रिलीज को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन फिल्म फ्लोर पर कब जाने वाली है इसके कई मीडिया रिपोर्ट्स आ चुके हैं। खबरों के मुताबिक सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 3 साल 2025 में फ्लोर पर आ सकती है। सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 3 को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।